अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन अदाकारों के बारे में जिन्होंने चांद तारा का रोल करने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चांद तारा हम टीवी का नया रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा है। स्टार कास्ट में पाकिस्तान की खूबसूरत और मशहूर जोड़ी आयजा खान और दानिश तैमूर ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। आयजा खान नैन तारा और दानिश तैमूर सारम के किरदार पर मुश्तमिल है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये किरदार इनसे पहले दूसरे अदाकार जोड़ों को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये रोल करने से इनकार कर दिया था। सबसे पहले उस्मान खालिद भट्ट और रिमशा खान को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इससे पहले इसी नौयत के ड्रामे हम तुम और चुपके चुपके में मरकजी किरदार अदा किया था, इसलिए उन्होंने ड्रामे के ऑफर से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये किरदार एमन मुनीब को ऑफर किया गया, लेकिन मुनीब भट्ट इस वक्त अपने ड्रामे तेरे आने से की शूटिंग में मसरूफ थे और एमन खान अभी ड्रामे नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया था। ये किरदार एमन सलीम और अरसलान नसीर को भी ऑफर किया गया, लेकिन एमन सलीम शोबीज छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अरसलान नसीर को चांद तारा का किरदार हादिर से मिलता जुलता लगा था, इसलिए उन्होंने ये किरदार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये ड्रामा सबूर अली और अली अंसारी को भी ऑफर किया गया था, लेकिन अली अंसारी इस वक्त अपने ड्रामे समझौता में मसरूफ थे। सबूर अली को कॉमेडी ड्रामा करना पसंद नहीं, इस वजह से उन्हें भी कास्ट नहीं किया जा सका। आप किसको चांद तारा के किरदार में देखना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं।